हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ अनीसुल इस्लाम खान और आप देख रहे हैं AIK ब्लॉग्स, अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ कोयलाबाद और यहाँ से अभी घर की जानिब चल रहे हैं, तो उसका ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग कोयलाबाद से निकल रहे हैं घर की तरफ, तो चलते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर चले आए थे। आप देखिए, गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल है, ना स्टार्ट है ना कुछ, और 30 के स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, 30 और 40 के। ये देखिए, उतरते वक्त कुछ इस तरीके का नज़ारा है आपके सामने। ब्रेक ले लेके ही चलना पड़ रहा है। उधर से जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त से बाइक ऊपर की जानिब आ रही थी। अल्लाह अकबर, क्या ही खूब नज़ारा है, सुभान अल्लाह। सामने से धूप आता हुआ, ये देखिए स्पीड आप देखिए, 50 की लमसम पकड़ ली रही है। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ये अच्छा होता है। बाइक से हैं तो स्टार्ट भी नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम लोग कार से होते हैं तो कार को ऑन करके रखना पड़ता है क्योंकि पावर स्टीयरिंग वगैरह होती है, तो फिर वो यूज़ करना बंद कर देगा अगर हम लोग कार को स्टार्ट नहीं करेंगे तो। तो चलते हैं दोस्तों बॉर्डर पे और मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो आप लोग एंजॉय करिए इस टाइम लैप्स वीडियो को, ये देखिए। और ये आगे फिरोज़ और सिराज भाई जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब है बॉर्डर एरिया का छोटा सा गांव। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, सब झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं और छोटा मोटा अपना कारोबार भी करते हैं वो लोग। और ये सब टहलने वाले ही लोग हैं। उस रास्ते से भी घूम के हम लोग आ सकते थे, हम लोग ये अंदर अंदर थोड़ा गांव से ले लिए और अभी पहुँच के बॉर्डर पर। और बॉर्डर का थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, गाड़ी वगैरह को वहीं पर एंट्री करानी होती है कि अभी हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। ये भंसार काउंटर है, इधर से जाते वक्त यहाँ से भंसार लेना पड़ता है। ये देखिए सामने गेट। तो वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ पाउज़। तो दोस्तों, अभी हम लोग बॉर्डर पे एंट्री करा के और ये पार्किंग एरिया में पहुँच गए हैं और अभी बाइक को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं तुलसीपुर की तरफ। ये देखिए, बॉर्डर से निकलने के बाद का ये कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी ही खूबसूरत सा नज़ारा है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से जंगल और बीच में रास्ता, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये थी मस्जिद। अभी हमने असर का नमाज और जहर का कज़ा दोनों अदा कर लिया है और अभी चल रहे हैं फिर यहाँ से तुलसीपुर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो चलते हैं दोस्तों तुलसीपुर और वहाँ पे एक लेते हैं टी ब्रेक और फिर मिलते हैं आपसे। आपको कोयलाबाद की तरफ जाना है, ये है यहाँ का चौराहा।
तो दोस्तों हम लोग बलरामपुर पहुंच के और मगरिब की नमाज़ भी अदा कर लिए और अब यहां से चल रहे हैं अपने घर की तरफ, इकोना की तरफ। और ये जो एरिया है ये डिग्री कॉलेज से थोड़ा सा ही आगे आके ये मस्जिद थी, ये टेस्ट ऑफ टंग के गली में। यहाँ से चलते हैं हम लोग राइट इकोना की तरफ। ये तो दोस्तों अभी हम लोग बलरामपुर से निकल रहे हैं, तो दोस्तों फाइनली हम लोग इकोना पहुंच गए हैं और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि हम लोग को खैर आफियत से लेके गए और खैर आफियत से अपने घर पे पहुंचा दिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूं एंड।